बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको भाजपा प्रदेश कार्यालय, जहां पर गौरव भाटिया मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। केवल एक अभी तक, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए, तो इसको स्वीकारो नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कल ये खबर पूरे देश में चल रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 ml सीमन पार्थिव शरीर से मिला है। सिर्फ बहुत मर्यादा बनाते हुए एक ही प्रश्न करूंगा, 150 ml सीमन मिलने का मतलब है कि यह गैंगरेप है, और विवेचना गैंगरेप की होनी चाहिए क्योंकि कई लोग इसके आरोपी हैं, लेकिन अभी भी वो खुले में घूम रहे हैं और हमारी बहनें असुरक्षित हैं, इसलिए यह चिंताजनक है। और तभी इसी मंच से मैं केवल एक बात कहूंगा, पूरा भारत आंदोलित है, आक्रोशित है। मुझे बताया गया कि एक घंटे के लिए सभी डॉक्टरों ने राजस्थान में भी प्रदर्शन किया। कल सुबह 6 बजे 24 घंटे के लिए सारे डॉक्टरों ने कहा है कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे, और चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो बीकानेर हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, और यही हाल चाहे लखनऊ हो, चाहे मुंबई हो, कोई कोना ऐसा नहीं है देश का जहां पे केवल डॉक्टर नहीं बल्कि आम आदमी, सारी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। ममता बनर्जी, आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा, महिलाओं की सुरक्षा आप सुनिश्चित नहीं कर सकती है, समय आ गया है आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि आपकी सत्ता की भूख की वजह से जो हमारी बहनें हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता है। यह बात मैं बड़ी स्पष्टता से यहां कह रहा हूं, और एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, जो संविधान हाथ में लेके चलते थे, आज ये पूछा जाएगा, वो राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, अखिलेश यादव जिनके मुंह में दही जम गई है, आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया, उद्धव ठाकरे, कोई कुछ तो बोलो। एक बार ये राजनीतिक गिद्ध उड़ान भर के ये ना देखे कि किस प्रदेश में हुआ है, भाजपा शासित है या इंडी अलायंस शासित है। उस बेटी का, उस परिवार का और हर महिला का दर्द एक बार महसूस करके तो देखो। और मैं ये भी चेतावनी दे दूं, ये जो चुप्पी है ये बहुत भारी पड़ेगी। ये चुप्पी जो है ये दर्शाती है कि ये नेता नहीं है, नेत्री नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है, ये राजनीतिक गिद्ध है, ये केवल लाशों पे राजनीति करते हैं, वो भी तब जब इन्हें कुछ वोटों का फायदा हो, उसके अलावा इनके पास जनता के हित के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।